हेलो दोस्तों, HTML के वीडियो सीरीज़ में आप सब लोगों को वेलकम। आज हम सीखेंगे HTML क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिज़ाइन टू बी डिस्प्ले इन वेब ब्राउज़र। इट कैन असिस्ट बाय टेक्नोलॉजी सच एस कैस्केडिंग टाइल शीट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एस जावास्क्रिप्ट। वेब ब्राउज़र रिसीव HTML डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेब सर्वर और फ्रॉम लोकल स्टोरेज एंड रेंडर द डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीमीडिया वेब पेजेस। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज सेमेंटिकली एंड ओरिजिनली इंक्लूडेड कॉजेस फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? HTML है मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज़ नॉट प्रोग्राम लैंग्वेज। HTML में क्या होता है, डिजिटली कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है वेब ब्राउज़र में, और जिस जैसे डिस्प्ले होता है, मतलब जो स्क्रिप्टिंग के द्वारा कंप्यूटराइज डिजिटली डिजिटल डॉक्यूमेंट वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है, उसे ही कहता है HTML। HTML में जावास्क्रिप्ट, वीवी स्क्रिप्ट, कैस्केडिंग टाइल शीट, ये सब बहुत सारा फीचर्स है। ये सब को एम्बेड करके HTML डिज़ाइन होता है और वही डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सब ब्राउज़र होता है जिसमें हम लोग वेब पेज एक्सेस करते हैं। वेब पेजेस एक्सेस होता है वेब सर्वर और लोकल स्टोरेज से भी एक्सेस हो सकता है। वेब पेजेस मल्टीमीडिया भी होता है, मतलब इसमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ये सब इंक्लूड करके भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो HTML पेज दो तरह का होता है, स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज। स्टैटिक पेज में इमेज, टेक्स्ट, ये सब रहता है जो स्टैटिक कंटेंट माना जाता है, और डायनेमिक पेज में यूज़र इनपुट और आउटपुट का ऑप्शन रहता है, जिसमें यूज़र इनपुट कर सके और सबमिट करने के बाद उसका आउटपुट भी निकल सकता है। ऐसा पेज अगर होता है तो उसे डायनेमिक पेज बोलते हैं हम लोग। तो बेसिक HTML लेशन में इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।